ओम शांति। आज बाबा दे 28/12/2020 दे महावचन। बाबा ने आज अपने बच्चियां नू कहा, मिठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहला खुद आत्म अभिमानी बनन दी मेहनत करो, फिर दूसरियां नू कहो, आत्मा समझ के आत्मा नू ज्ञान दवो, ता ज्ञान तलवार विच जौहर आ जावेगा, बल आ जावेगा। फिर बाबा ने प्रश्न पूछया, संगम युग ते किन्ना दो गल्लां दी मेहनत करन नाल सतयुगी तखत दे मालिक बन जावोगे? उत्तर विच बाबा ने कहा, पहली गल, दुख सुख निंदा स्तुति विच समान स्थिति रहे, ए मेहनत करो। कुछ भी कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, ता तुसी चुप हो जाओ। कदे भी मुख दी ताड़ी नहीं बजाओ, माना मुंह दी ताड़ी की हुंदी है। एक ने कहा और दूसरे ने भी उसका जवाब दिता, फिर उसने अगे बोलिया, तो आपस दे विच दोना दी एक मुंह दी ताड़ी बजना, माना दोना दा ही बोलन नाल गल वध जांदी है। कदे भी मुंह दी ताड़ी नहीं बजाओ। दूसरा, अखां नूं सिवल बनाओ। क्रिमिनल आई माना विकारी दृष्टि समाप्त हो जावे। असी आत्मा पाई पाई हां, आत्मा समझ के ज्ञान दो, आत्म अभिमानी बनन दी मेहनत करो, ता सतयुगी तखत दे मालिक बन जावोगे। संपूर्ण पवित्र बनन वाले ही गद्दी नशीन बनदे हन। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चियां नाल गल करदे हन। तुसी आत्मावां नूं एक ज्ञान दा तीसरा नेत्र मिलिया है, जिसनों ज्ञान दा नेत्र कहा जांदा है। उस नाल तुसी देखदे हो अपने भाइयां नूं, भाइयां नूं माना आत्मावां नूं। ए तां बुद्धि नाल समझदे हो ना कि जदों असी भाई भाई नूं देखांगे तां कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होणगियां। होर भी इस तरह करदे करदे अखां जो विकारी हन ओह शुद्ध बन जाणगियां, सिवल हो जाणगियां। बाबा कहंदे हन, विश्व दा मालिक बनन दे लई मेहनत तां करनी पवेगी ना, माना ये सूक्ष्म मेहनत है, ये कोई स्थूल वाली मेहनत नहीं। बाबा कह रहे कि कुछ विश्व दा मालिक बनना है तां कुछ मेहनत तां करनी पवेगी ना, तां ये हुण मेहनत करो। मेहनत करन नाल बाबा नवीआं नवीआं गहरीआं गहरीआं पॉइंट्स सुणाउंदे हन ना, ता अपने नूं हुण अपने नूं भाई भाई समझ के ज्ञान देण दी आदत पाओ। ये जो गाया होया है कि असी सारे आपस विच भाई भाई हाँ, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। हुण तुसी सच्चे सच्चे भाई भाई हो, क्योंकि बाप नूं जानदे हो। बाप तुहाडे बच्चियां दे नाल सेवा कर रहे हन। अगे बाबा ने कहा, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चे हिम्मत करदे तां बाबा दी मदद भी मिलदी, तां बाप आके ए हिम्मत दिंदे हन सेवा करन दी, तां ए सहज होया ना। रोज ए प्रैक्टिस करनी पवेगी, सुस्त नहीं होना चाहिदा। ए नवीआं नवीआं पॉइंट्स बच्चियां नूं मिलदियां हन। बच्चे जानदे हन कि असी भाइयां नूं बाबा पढ़ा रहे हन, सानू सारी आत्मा रूपी भाइयां नूं बाबा पढ़ा रहे हन। आत्मावां पढ़दियां हन, ए रूहानी नॉलेज है ना, रूहानी बाप तो मिलदी है, क्योंकि बाप आउंदे हन संगम युग ते, जद के सृष्टि बदलदी है। ए बाबा कहंदे, रूहानी नॉलेज मिलदी ही उदों है जदों सृष्टि बदलण वाली है। बाप आके ए रूहानी नॉलेज दिंदे हन, अपने नूं आत्मा समझो। आत्मा अशरीरी आई सी, नंगे जाना,
माना शरीर रूपी कपड़ा ना लेके आए और ना ही लेके जाना है। फिर ये शरीर धारण कर दी है आत्मा। शुरू तो लेके होने तक आत्मा ने 84 जन्म लेते, परंतु नंबरवार जो जिस तरह आउंदे हन वैसे ही योग दी मेहनत करनगे। फिर देखण विच आउंदा है कि जिन्ना ने जिमें कलप पहला जो पुरुषार्थ कीता है, मेहनत कीती है, ओ हुण भी फिर इसे तरह मेहनत करदे हन। अपने लई मेहनत करनी है ना, दूजियां दे लई तां नहीं करनी हुंदी। ता अपने नू आत्मा समझ करके अपने नाल मेहनत करनी है। दूसरा की करदा है, उस विच साडा की जांदा है। माना दूसरियां नू देखदे रहना, दूसरे ने इह कीता, दूसरा की करदा है, ता बाबा कह रहे उस दे विच अपना की जांदा है। चैरिटी बिगन्स एट होम, माना पहला पहला खुद मेहनत करनी है, पिछे दूजियां नू कहना है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਨ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਬਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਨਿੰਦਾ ਸਤੁਤੀ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਪ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੁੱਪ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ। ਬਸ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਤਾੜੀ ਵੱਜੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੇ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਓ, ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਾਮ ਦੀ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸ ਲਈ, ਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਬਾਪ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਇਸ ਤਰਫ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪਦ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਉੱਤਮ, ਕਿਸ ਦਾ ਮੱਧਿਅਮ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਨਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨਮਨਾ ਪਵੋ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
इस तरह भाइयों की तरफ भी देखो, माना भाइया माना आत्मावां, सारे आत्मा रूप च भाई भाई, ना मेल ना फीमेल। तो बाबा कह रहे कि भाइयों की तरफ भी देखो, अपने नूं आत्मा समझ के फिर भाई नाल गल करो। भाई नूं असीं ज्ञान दिंदे हाँ, भैण नहीं, आपस च भाई भाई आत्मावां नूं ज्ञान दिंदे हाँ। अगर आत्मा दी आदत पै जाएगी तो तुहाडी फिर विकारी दृष्टि जो है वो धोखा दिंदी है, वो हौली हौली बंद हो जाएगी। अभ्यास तो करना पैंदा है। आत्मा आत्मा विच की करेगी, जदों देह अभिमान आउंदा है तां गिरदे हन। बहुत कहंदे हन बाबा साडी विकारी दृष्टि हो गई। अच्छा, विकारी दृष्टि नूं हुण पवित्र भी तां बनाओ, सिविल भी तां बनाओ, शुद्ध बनाओ। आत्मा बाबा ने आत्मा नूं दित्ता ही है ज्ञान दा तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र नाल देखोगे तां फिर तुहाडी देह नूं देखण दी आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चियां नूं डायरेक्शन दिंदे हन, जबरदस्त पद है ना, तां पुरशारथ भी इस तरह करना है। बाबा कहिंदे किन्ने फायदे दी गल्लां ने ना, सानूं आदत पै जांदी है कि बाबा जो शिक्षा दिंदे हन सो भाइयां नूं भी देनी है, माना आत्मावां नूं भी ये शिक्षा देनी है। देही अभिमानी होके रहना है। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दित्ती, मिठे मिठे सिक्की लधे बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नूं नमस्ते। धारणा लई मुख सार है, पहला है गायन अते पूजन योग बनन दे लई स्पिरिचुअल बनना है, अध्यात्मिक बनना है, आत्मा नूं प्योर बनाउणा है, आत्म अभिमानी बनन दी मेहनत करनी है। दूसरा, मनमना पवदे अभ्यास द्वारा अपार खुशी विच रहना है। अपने आप नू आत्मा समझ, आत्मा नाल गल करनी है, अखां नू सिविल बनाउणा है, सिविल माना शुद्ध बनाउणा दृष्टि नू। वरदान है सदा काल दे अटेंशन द्वारा विजय माला विच पिरोण वाले बहुत समय दे विजयी पव। बहुत समय दे विजयी विजय माला दे मणके बनदे हन। विजयी बनन दे लई सदा बाप नू सामने रखो। जो बाप ने कीता ओही असी करना है। हर कदम विच जो बाप दा संकल्प ओही बच्चियां दा संकल्प, जो बाप दे बोल ओही बच्चियां दे बोल, तद कहांगे विजयी। बाबा कहंदे उस फिर विजयी बनोगी। ए अटेंशन माना ए ध्यान सदा काल दा चाहिदा है, तां सदा काल दा राज भाग प्राप्त होवेगा, क्योंकि जिद्दां दा पुरशारथ उस तरह दी परालब्ध है। सदा दा पुरशारथ है तां सदा दा राज भाग है। सलोगन है सेवा विच सदा जी हाजिर करना, ए प्यार दा सच्चा सबूत है। अच्छा, ओम शांति।